धन्यवाद मंत्री जी। कहाँ है किशन रेड्डी? जो अभी हमारा माननीय सदस्य ने बोला नरेश जी और बाकी लोगों ने, क्षेत्रीय भाषा जो उपयोग में थे पहले पंजाबी और पहाड़ी, एक मिनट, पहाड़ी गुजरी, इन भाषाओं के बारे में भी उनको प्रोत्साहन करने के लिए और उनको जो 1980 के पहले जो था स्थिति उसके बारे में एक बार अध्ययन करके स्पष्टता देना बाद में जरूरी होगा, नहीं तो अननेसरी एक नया विवाद नहीं होना चाहिए। थोड़ा उसको देख लीजिए। आई जस्ट टोल्ड हिम टू कीप इन माइंड व्हाट वाज देयर बिफोर 1988 एंड बिफोर एंड देन हाउ दिस चेंज हैज कम विद रिगार्ड टू यूसेज ऑफ गुजरी देन पहाड़ी एंड ऑल्सो दी पंजाबी लैंग्वेजेस विच आर स्पोकन बाई गुड नंबर ऑफ पीपल इन दैट स्टेट एज वॉज मैंशन बाई श्री नरेश गुजरात एंड आवर अदर फ्रेंड्स ऑल्सो। मिनिस्टर प्लीज रिप्लाई। महोदय जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, सुझाव दिया है। जम्मू कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल 2020 क्षेत्र के लोगों को, आकांक्षाओं को और दशकों के रही मांगों को आधार करते हुए प्रस्तावित किया गया है। इस प्रस्ताव से कश्मीर, डोगरी, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश भाषाओं को जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में ऑफिशियल लैंग्वेजेस के रूप में घोषित किया जाना क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा। महोदय जी, क्षेत्र के लोगों को आकांक्षाओं को दर्शाते हुए यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ये सूचित किया है कि यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की जनता की उर्दू और इंग्लिश के साथ साथ कश्मीर, डोगरी और हिंदी को भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस के रूप में घोषित करने का मांग रखी है। यह महत्वपूर्ण तत्व है कि यूटी के जम्मू कश्मीर के मेजॉरिटी लोगों को इन भाषाओं को बोलते हैं, समझते हैं। अध्यक्ष जी, 1954 से लेकर जम्मू कश्मीर में टू ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी। एक उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त था, दूसरा इंग्लिश को आधिकारिक व्यवहार ऑफिशियल वर्क्स के लिए प्रयोग किया जाता था। वर्ष 2011 सेंसस के जनगणना के अनुसार यूनियन टेरिटरी के जम्मू कश्मीर में उर्दू भाषा बोलने वालों की संख्या 19,112, जनसंख्या 0.16% है। उसको लगभग 1954 से आज तक ऑफिशियल लैंग्वेज था 0.16%। इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा लीगल तथा लिस्टेड टू क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग करते थे। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि पिछले 7 दशकों में जम्मू कश्मीर में स्थापित ऑफिशियल लैंग्वेज को बोलने वालों की संख्या, कुल जनसंख्या बहुत कमी थे। जम्मू कश्मीर प्रांत में 74% जनता कश्मीर और डोगरी भाषा बोलती है। जम्मू कश्मीर के कश्मीर बोलने वाले जनसंख्या 53.26, डोगरी भाषा बोलने वालों की जनसंख्या 20.64 है। ये दो भाषाओं को बोलने वाले जनसंख्या अगर हम 74% है, जम्मू कश्मीर स्टेट के जनता के पुराने मांग है कि कश्मीर और डोगरी भाषा को राजभाषाओं के रूप में घोषणा की करना है। जनता की भावनाओं को देखते हुए अध्यक्ष जी, इस संसद में, संसद के बाहर, जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के बाहर, जम्मू कश्मीर के असेंबली के अंदर, बाहर समय समय पर ये मांगा आते रहे, मगर 70 साल से 74% भाषा बोलने वाले जम्मू कश्मीर जनता को वंचित किया है। दुखी बात है, परिवार राज करने वाले कभी भी जनता को आवाज को, जनता का आकांक्षा को गौरव नहीं दिया है, उसके बात को कभी भी सुना नहीं। इसी बात के लिए अन्याय किया है वर्गों के साथ और भाषा के पर। जनता, जम्मू कश्मीर के जनता के लिए 2000 सेंसस के आधार पर 1% बोलने वाले के उर्दू भाषा को साथ ही साथ दर्जा दिया है। और कश्मीर में हर मजहब के लोग, हिंदू हो, मुस्लिम हो, अन्य मजहब के लोग भी कश्मीर में भाषा बोलते हैं। कश्मीरियत इंसानियत बोल के एक नारा भी है, मगर भाषा के राजभाषा का दर्जा ना देते हुए अपमान किया है। और 70 साल का ये गलती या अन्याय सुधार करने के लिए मोदी सरकार जी ने आज इस प्रस्ताव के द्वारा बदलते काम आज लाए हैं। अध्यक्ष जी,
जम्मू कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल 2020 इस असंतुलन के दूर करने के एक प्रयास है, जिसके पारित होने से यूनियन टेरिटरी एंड जम्मू कश्मीर की 98% आबादी को भाषा संबंधित अपना अधिकार आज के बाद प्राप्त होगा। ये बहुत खुशी की बात है। अध्यक्ष जी, आज कश्मीर भाषा मैं बताया हूं और डोगरी भाषा बताया हूं, उर्दू भाषा के बारे में बताया हूं और हिंदी भाषा के बारे में भी मैं बताऊंगा। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार वर्तमान यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में हिंदी भाषा बोलने वाले संख्या भी 2.30% है। आर्टिकल 343(1) के अनुसार भारत संघ के राजभाषा देवांगरी लिपि से हिंदी होगी, क्योंकि भारत की संपूर्ण संविधान अभी जम्मू कश्मीर संघ के राज्य क्षेत्रों के लागू होती है, इसलिए हिंदी को प्रस्तावित जम्मू कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल में 2020 में हिंदी को भी शामिल किया गया। अध्यक्ष जी, भारत के संविधान के आर्टिकल 348 अनुच्छेद अनुसार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले विधायकों को आदि में भी सभी कार्यवाही इंग्लिश भाषा में होती है, इसीलिए इंग्लिश भाषा को प्रस्तावित विधेयक में एक भाषा के रूप में शामिल किया जाना आवश्यक है। अतः इंग्लिश भाषा के प्रयोग इन यूनियन टेरिटरी में उन प्रशासन और वैधानिक प्रयोजन के लिए जारी निर्णय हुआ है, इसके लिए हिंदी भाषा को भी इस प्रस्ताव में लिखा है। अध्यक्ष जी, आप जो सुझाव दिया है उसका भी सरकार सुनचे है। जम्मू कश्मीर में 5 आधिकारिक भाषाओं के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को विकास करने के लिए भारतीय भाषाओं को केंद्रीय संस्थान से जानकारी प्राप्त हुआ है। प्राप्त के जानकारी के आधार पर जम्मू कश्मीर में आधिकारिक भाषाओं को साथ साथ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को भी बढ़ावा देना तथा उनके विकास के लिए वर्तमान संस्थागत ढांचे जैसे जम्मू कश्मीर अकादमी और कल्चर एंड लैंग्वेजेस मजबूत करने के लिए प्रावधान इस प्रस्ताव में पहली बार लाए। महोदय, मैं सदन को सूचित करना चाहूंगा, जम्मू और कश्मीर में 5 ऑफिशियल भाषाओं के अंतरिक्त अन्य रीजनल भाषाओं को विकास के लिए जम्मू कश्मीर में ऑफिशियल भाषाओं के साथ साथ अन्य रीजनल भाषाओं को बढ़ावा देना तथा उनके विकास के लिए खास प्रावधान इस बिल में रखी गई है। महोदय, मैं इस दिशा में ठोस कदम बढ़ाने के लिए कुछ खास इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स जैसे जम्मू कश्मीर में कला, संस्कृति तथा भाषाओं को आने वाले दिन में काम करने के लिए अकादमी को और मजबूत करने और इस संस्थाओं के द्वारा पंजाबी, गोजरी, पहाड़ी भाषाओं को विकास करने के लिए विशेष कदम उठाने के लिए प्रावधान सम्मिलित किया है। मैं केंद्र सरकार की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से पूरा विश्वास देता हूं, पंजाबी, गोजरी, पहाड़ी भाषा को पूरा रूप से विकास करने के लिए कोई भी कमी नहीं होने देंगे। इस बिल के द्वारा इन 3 भाषाओं को प्रोत्साहन करने के लिए पूरे प्रावधान दिया है। खासकर पंजाबी भाषा बोलने वाले आदरणीय गुजराल नरेश गुजराल साहब जी अभी बताए, खासकर पंजाबी भाषा बोलने वाले जनता जम्मू कश्मीर प्रांत में 1.78%, 2,16,000 लोग जनसंख्या भाषा बोलती है 2011 सेंसस के आधार पर। इसलिए पंजाब भाषा को प्राथमिकता देते हुए गोजरी, पहाड़ी भाषा को भी साथ साथ हर विषय पर साथ साथ आगे ले जाने के लिए मोदी सरकार कमिटमेंट है। मोदी जी सरकार पंजाब लोगों के साथ पंजाबी भाषा बात करने वाले के साथ सिर्फ राजनीति के साथ नहीं जोड़ती है, मगर दिल के साथ, कमिटमेंट के साथ जोड़ती है। पंजाब लोगों के साथ समर्पित भाव से सेवा करने के लिए तैयार है। अध्यक्ष जी, और मैं इसी ओके, आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में भी प्रांतीय भाषा, क्षेत्रीय भाषाओं को भी प्रोत्साहन करने के लिए प्रावधान किया है, इसीलिए मैं सबके द्वारा जम्मू कश्मीर में जितने भी रीजनल लैंग्वेजेस है सबको भी हम क्षेत्रीय भाषाओं के द्वारा जो रीजनल लैंग्वेजेस को प्रोत्साहन करेंगे। मैं इस बात के साथ ये जो जम्मू कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल 2020 को समर्थन करने के लिए मैं आपके द्वारा सभी सांसद महानुभावों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं। राइट।
The question is